तो कैसे हो आप सभी लोग। तो हमारे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गैस दो दिन से ब्लॉग नहीं आया था, तो उसका रीज़न ये था। एक तो बॉबी हमारा यहाँ से गया था गुजरात जॉब के लिए, मैं भी उसको बोला था, जिससे भी बात हुई थी उसने बोला गिलास का काम है। बॉबी ने समझा कांच का गिलास है, तो वहाँ पर जो बड़े बड़े कांच होते हैं गिलास की पैकिंग होती थी बड़े की, तो उसमें क्या था कि थोड़ी दिक्कत थी करने में। वैसे दिक्कत कुछ नहीं है, करने वाले कर भी रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम गया था, ऐसा कुछ किया था नहीं कभी भी, तो उसमें हाथ कटने वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो इसका हाथ कट गया था, तीन टाँके भी आए हुए हैं, इसी वजह से फिर इसको घर पर बुला लिया है। तो घर बुला लिया है, वो भी घर आ चुका है, उसका हाथ कट गया था, वहाँ गिलास का काम है तो उस पर हो नहीं पा रहा था, और इसी वजह से दो दिन से ब्लॉग नहीं आया। थोड़े परेशान भी थे सभी लोग, क्योंकि ऐसा एक तो दूर ज़्यादा गया था, गुजरात गया हुआ था, सूरत में कभी गया है नहीं, फर्स्ट टाइम गया था, तो देखो परेशानी थोड़ी दिक्कत सभी को हो जाती है कि भाई हाथ कट गया या सही हो गया। इतना हाथ कट गया था, यहाँ तक तो इसके ग्लव्स पहने रहता था, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ी भी यहाँ कलाई से नीचे आता नस वगैरह कट जाती। तो गाइस वहाँ पे कई लोग ऐसे थे, किसी का यहाँ गाल कट गया था, किसी का मतलब वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे थे ज़्यादातर है सबके हाथ वगैरह कटे ही हुए थे, क्योंकि कांच का काम ही ऐसा होता है जो उसकी साइड होती है बहुत ज़्यादा शार्प होती है, तो उसी वजह से कट गया था। पर थोड़े फैमिली इशू चल रहे थे तो उसी चक्कर में नहीं हो पाया, थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। घर परिवार है, बड़ा परिवार है, थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहती हैं, उसी चक्कर में माइंड ही अपसेट था, तो ब्लॉग कहाँ से डाल पाते। लेकिन अब रोज़ाना ब्लॉग आपको डेली मिला करेगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले 800 थे और कम हो गए, तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए और ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत ही प्यारा है। स्कूल से नमस्ते तो की नहीं किसी से, तो हमारी पिन्नू पढ़ के आ चुकी है, दिब्बू नाम नाम कर रहा था, और आज मैडम ने क्या सिखाया था, क्या अच्छे से खड़े हो बिट्टू, क्या सिखाया था, ABCD और अभी पहले खाना खा ले है ना, अभी स्कूल से आई है, दो सुबह 7 बजे की जाती है, 2 बजे आते हैं तो परेशान हो जाती है। गाइस मैंने मॉर्निंग में एक ब्लॉग डाला था, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो मैं रोज़ाना मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम ही ब्लॉग डालूँगा, तो प्लीज़ आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हाय दिव्यांश आ गया, हाय बम बम, हाँ चलेंगे बम बम। तो गाइस बताइएगा अगर आपको अच्छे लगते हैं तो दोनों टाइम, और आप जो सुबह ब्लॉग डाला है उसको भी अपना प्यार दिखाइएगा, और आगे हम नाइट का और डे का दोनों ही ब्लॉग डाला करेंगे। कहाँ से आया है बुम बुम, किसके साथ गया था, डॉक्टर के पास, क्या हो गया है, बाबा की तबीयत खराब, बाबा की तबीयत खराब हो गई है तो डॉक्टर के पास से आया है, तो गया तो है ही नहीं, अभी तो बाबा सो रहे हैं, तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो कि मैं डॉक्टर के पास गया था, झूठ नहीं बोलते ना दिब्बू, आगे से नहीं बोलेगा ना। हाँ प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ रही है, एक और प्रॉब्लम सामने आ ही रही है, उसको भी फेस करना पड़ेगा, नाना जी हैं, नाना जी की एज हो गई है तो वो थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब है उनकी, क्योंकि एजेड है एक तो, और फिर उनके दो ऑपरेशन हो गए थे, तो ऑपरेशन की वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी है, तो शायद कल तो नहीं जाएंगे, कल तो बृहस्पतिवार है, तो मैं मम्मी दोनों ही जाएंगे नाना से मिलने के लिए, हाँ तो है ही, लेकिन उनकी कुछ ज़्यादा ही कहते हैं ना, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता कहना, ज़्यादा ही उनकी प्रॉब्लम है, ज़्यादा ही उनकी तबीयत ख़राब है। बॉबी चाचू, बॉबी चाचू बाजार गया है, मार्केट गया है, कुछ काम था उसको, इसको सबकी पड़ी रहती है, सबकी पूछता है कौन कहाँ है, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। ब्लॉगिंग की टाइमिंग है तो वो टाइमिंग शाम को तो 5 बजे डाला करूँगा और मॉर्निंग में आपके 12 बजे, तो प्लीज़ दोनों टाइमिंग पे आप जाके ब्लॉग में अपना प्यार दिखाइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।